नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube के चैनल स्टडी 2.42 शेयर में स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है राजपूतों की उत्पत्ति, उनके सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि उत्तर भारत के प्रमुख राजपूत वंश, सबसे पहले हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आता है गुर्जर प्रतिहार वंश, और राजपूत वंश के जो पहला वंश था उसको हम गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जानते हैं, और राजपूत वंश को जो है सामंतवाद भी कहा जाता है। तो राजपूत वंश सामंतवाद के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय जो है सभी जो राजा थे वो सामंत के रूप में जो अपना अपना शासन कर रहे थे, कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, छोटे छोटे भागों में राजा बटे हुए थे, इसलिए इनको सामंत कहा जाता था। तो राजपूत वंश को सामंतवाद के भी नाम से जानते हैं। अब देखते हैं जो राजपूत वंश जो जो पहला इसमें जो वंश जो निकल के आता है, जो पहला वंश डेवलप होता है, उसका नाम था गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश जो था सबसे प्राचीन वंश था, और इसी से जो ज्यादातर जो वंश राजपूत वंश हुए हैं उनका जन्म गुर्जर प्रतिहार वंश से ही माना जाता है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो समय काल रहा है वह रहा है 730 ईस्वी से 1190 ईस्वी तक। जो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है उनका नाम है नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी, और गुर्जर प्रतिहार वंश का जो क्षेत्र था वह था गुजरात व दक्षिण पश्चिम राजस्थान। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था, तो वह था गुजरात और वह दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में। तो ये क्षेत्र जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता था, और इसके जो संस्थापक थे वो थे नागभट्ट प्रथम। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक का क्या नाम था। अब देखते हैं कि इसका प्रभावशाली शासक, जो तीन चीजें पूछी जाती हैं, तो संस्थापक या इसका क्षेत्र या प्रभावशाली शासक। तो प्रभावशाली शासक जो था गुर्जर प्रतिहार वंश का हुआ था मिहिरभोज। मिहिरभोज जो है गुर्जर प्रतिहार वंश में सर्वाधिक प्रतापी शासक था और प्रभावशाली शासक था, और मिहिरभोज के द्वारा जो कार्य कराया गया था हुआ था कि इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। तो मिहिरभोज ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई, और जो मिहिरभोज के बाद जो आते हैं वो आते हैं यशपाल। जो यशपाल जो तो यशपाल को जो गढ़वाल वंश के चंद्रदेव ने जो है यशपाल को हराकर गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। और चंद्रदेव जो थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश में ही एक सामंत थे, छोटे शासक थे, और ये जो है यशपाल को हराकर जो है कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं, और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर जो वहां पर गढ़वाल वंश की स्थापना कर देते हैं। तो इस प्रकार से गढ़वाल वंश का जन्म होता है। अब हमने देख लिया इस वीडियो में गुर्जर प्रतिहार वंश क्या है, उसके संस्थापक कौन है, उसका क्षेत्र कहाँ तक था, प्रभावशाली शासक कौन से थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर कर अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, व्हाट्सएप पर शेयर करें, ग्रुप्स पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जो है राजपूत वंश के अगले वंश के साथ, यानी कि गढ़वाल वंश के साथ। तो अगली वीडियो में हम गढ़वाल वंश पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।